धन्यवाद स्वतंत्र ट्रेड यूनियन मुझे यहाँ पर समय देने के लिए। मैं नारे के साथ में अपनी बात प्रारंभ करूंगा और हम लोगों के बीच में एक जीता जागता दौड़ता हुआ खून ऐसा हमको एहसास होना चाहिए। आवाज ही नहीं आ रही साथियों, समस्याओं के ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन ये लोग हमको कैसे खत्म कर रहे हैं इस पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उसके पश्चात हमें क्या करने की जरूरत है मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार वो बात शेयर करना चाहूंगा। सर्वप्रथम जैसा कि मंच से जो बात निकल के आई, हजारों वर्षों तक हमें शिक्षा से वंचित रखा गया। जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ने लगे, आप जैसे लोगों के तक पहुंचे, रीति रिवाजों की स्टेज तक जाने लगे, तब इनकी नियत में खोट साफ नजर आने लगी। तो क्या किया जाए? हमारे लोग ज्यादा चिंतन एवं समर्थन करते नहीं, लेकिन इनको लाखों लोग हजारों लोग एसी में बैठ के चिंतन मंथन करते हैं। इन लोगों में जागरूकता आ रही है तो शिक्षा के माध्यम से आ रही है। शिक्षा पर आघात कैसा किया जाए? तो आघात उन लोगों ने करना चालू कर दिया। राइट टू एजुकेशन के माध्यम से, जन जन प्रमोशन के माध्यम से 1 से 8 तक के बच्चों को परीक्षा नहीं देना, ग्रेडिंग करना फोन नहीं करना और एक तरफ प्राइवेटाइजेशन बढ़ाना। हमारे बच्चा अठवीं तक आता है, 9वीं तक जाता है, 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज जैसे जैसे करने की स्थिति में आता है, वापस घर जाता है, भेड़ बकरी चराता है।
मजबूर कर रहे हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण शेयर करना चाहूंगा मैं। जब छात्र संघ का चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ तो नाथीवाड़ा आदिवासी छात्र संगठन ने चुनाव में शिरकत की। जो हमारा छात्र संगठन युवाओं की विंग है उसमें कई जगह पे एबीवीपी को गठबंधन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। को जितने भी नौजवान साथी बैठे होंगे, हमारे बुजुर्गों ने एक रास्ता दिखाया है।
ये जज्बा और जुनून पूरे देश में जगाने की जरूरत है साथियों। जब तक जुनून और जज्बा नहीं जगाएंगे तब तक न्याय मिलने वाला नहीं है। यदि हम लोग पूरे शासन प्रशासन और न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, लेकिन यदि हमको तीनों जगह पे कुछ नहीं मिलेगा तो हम रोड पे उतरेंगे, जगह जगह पे जाम करेंगे, मरेंगे ऐसे नहीं, लड़के मरेंगे, जीतेंगे और सही दिशा इस दुनिया को दे के जाएंगे। साथियों मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जो संविधान में अच्छी बातें हैं उनको हमको लोगों तक ले जाने की जरूरत है। जैसे आदिवासियों के लिए संविधान में पार्टी और छठी अनुसूची की बात की गई है, लेकिन यदि हम उसकी बात करते हैं तो हमको जाति अलगाववाद नक्सलवाद के नाना प्रकार के संबोधन दिए जाते हैं, इसके लिए भी हमको बात करना पड़ेगी। साथियों हमको एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। लेंगे, आवाज ही नहीं आ रही है, लेंगे लेंगे धन्यवाद। स्वतंत्र मजदूर यूनियन ने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को से वादा करके जाता हूँ कि जितनी ऊर्जा के साथ में हम लोग गांव में काम करते हैं, एक संडे एक सैटरडे कभी घर पे हम खाना नहीं खाते हैं, अब ऐसा करेंगे कि यदि रात भी रुकना पड़े गांव में तो हम रात में ही रुकेंगे, रात गांव में रुकेंगे, लेकिन लोगों को खड़ा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं।